नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर वन यूपीपीसीएस मेंस 2021, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है क्या उससे कोई फायदा है, क्या उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं, हमारे पढ़ाए गए अब तक के वीडियोज से प्रश्न फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और विश्वास मानिए 200 नंबर में से लगभग 180-190 नंबर, मतलब मान के चलिए पूरा पेपर ही वहीं से आया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो है, 8 प्रश्न होते हैं, 5 करने होते हैं, दोनों ही खंड के पहले प्रश्न अनिवार्य होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर एक आपको कंफर्म करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है और ये कंपलसरी प्रश्न है, हमारे पढ़ाए गए और हमारे आंसर राइटिंग के कोर्स से ही आया है ये क्वेश्चन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, किस मतलब मंथ में हमने ये कराया था आंसर राइटिंग का प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर एक का दूसरा पार्ट है, जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाना चाहिए, इस कथन की युक्तियुक्त व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं हमारे आंसर राइटिंग की सीरीज में, ये क्वेश्चन मैंने दिया था करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अवधि के महत्व को प्रतिपादित करिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये हर साल पूछता है और अवधि और ब्रज भाषा दोनों का ही प्रश्न, अवधि का भी और ब्रज का भी, दोनों मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में दिया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के योगदान पर प्रकाश डालिए, मानक हिंदी की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आया था, जब लास्ट हो जाएगा वीडियो का तो मैं दिखाऊंगा। तीसरा प्रश्न, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के महत्व पर प्रकाश डालिए, पूछा गया प्रश्न है, भोजपुरी की ध्वनिगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये जो हमारे आंसर राइटिंग का क्वेश्चन था वो था कि भोजपुरी की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, व्याकरणिक विशेषताओं को भी रेखांकित कीजिए, तो उसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे का गांव, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 15 नंबर का प्रश्न है। 4 का पार्ट बी यानी कि ख, बोली उपभाषा एवं भाषा का अंतर, भाषा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का महत्व बताइए। चारों प्रश्न में से आपको करने होते हैं मात्र 3 प्रश्न और आराम से 3 प्रश्न आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के क्वेश्चन को देखकर कर सकते थे, लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में वहीं से प्रश्न आप देखेंगे आप इसको भी। सेक्शन बी की बात करें जिसको खंड ब कहते हैं, इसमें 150 शब्दों में टिप्पणियां लिखनी है। 5वां का क प्रश्न जो है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान, आचार्य शुक्ल का योगदान, उसके बाद रामविलास शर्मा का योगदान, उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान, ये सब प्रैक्टिस कराया गया था। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता है, इसके कथन या विपक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। हमारे यहाँ प्रश्न दिया गया था कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को वीर गाथाकाल कहेंगे या नहीं कहेंगे, तर्क सम्मत उत्तर लिखिए। तो ठीक वही बात यहाँ पर हो गई कि आपको बताना है कि वीर गाथा की रचनाओं की प्रचुरता है या नहीं है। अगर नहीं प्रचुरता है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष आपको देखना है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन प्रवृत्तिगत है या वैज्ञानिक है, इस पर कथन, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा में भक्ति के स्वरूप पर विचार करिए, रीतिमुक्त काव्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें से भी आपको करने हैं मात्र, यहाँ पे भी 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें से आपको छांट के करना है, सारे नहीं करने होते। 7वां प्रश्न, छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, छायावाद की विशेषता, छायावाद की विशेषता बहुत बार, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, हिंदी नाटकों के प्रारंभ और विकास पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारे यहाँ प्रश्न था कि हिंदी नाटक के विकास पर टिप्पणी लिखी है, ऐसा कुछ प्रश्न था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, भी देखेंगे। 8वां है, हिंदी निबंध साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, हिंदी आलोचना के विकास में राम विलास शर्मा के योगदान की समीक्षा कीजिए, इसके पहले था आचार्य शुक्ल का योगदान, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे कुल प्रश्न और लगभग सभी प्रश्न हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए हैं। चूंकि YouTube पर इसमें से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं है, अपभ्रंश अवहट वगैरह तो अवेलेबल है, मगर भाषा खंड के बहुत से वीडियो अभी बनाने बाकी रह गए हैं तो यूट्यूब पर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इसमें से सारे प्रश्न कराए गए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न कराए गए हैं।
तो दोस्तों एक प्रश्न ये था साहित्य इतिहास लेखन में रामविलास शर्मा का योगदान। यहाँ पर देखिए डे 12 में कराया गया था, पहले महीने के डे 12 का ये क्वेश्चन है। साहित्य इतिहास लेखन में रामविलास शर्मा के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। ये देख सकते हैं आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम जब शुरुआत में किया गया था पहले महीने का, तब का ये प्रोग्राम है। बोली भाषा और उपभाषा से संबंधित प्रश्न था, तो ये देखिए बोली तथा भाषा में अंतर स्पष्ट करते हुए मानक भाषा की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न डे 2 में कराया गया था हमारे यहाँ। भोजपुरी का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। डे 16 मंथ 1 के प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को कराया गया था और ये जो प्रश्न है इसी में आपको भोजपुरी की तमाम विशेषताएं लिखनी थी, जिसमें ध्वनिगत विशेषताएं भी थी, व्याकरणिक विशेषताएं भी थी और जो भी विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करना था। मैंने इसका फीडबैक जब दिया था तो बताया था। अगला प्रश्न है अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न पूछा गया था कि अवधि के काव्य भाषा का विकास, ये है मंथ 2 का डे 8 का प्रश्न है। ये भी पूछा गया था आपसे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का प्रश्न। ये देखिए मैंने ब्रज भाषा वाला भी कराया था, हालांकि ब्रज भाषा का प्रश्न नहीं पूछा, केवल अवधि का पूछा इस बार। रीति मुक्त काव्य पर पूछा गया था कि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहां पर मैंने प्रश्न कराया था डे 11 और ये था मंथ 3 का क्वेश्चन था कि रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो उसकी विशेषताएं बताकर आपको अंतर स्पष्ट करना होता है। तो ये भी प्रश्न इनडायरेक्ट रूप में हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही आया। अपभ्रंश क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान है, इसका आकलन कीजिए। हालांकि ये प्रश्न डायरेक्ट रूप में नहीं है, वहां पर जो एक कथन दिया है उस कथन के समक्ष कथन के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर देना है जो UPPCS में पूछा है। लेकिन इसमें जब फीडबैक दिया गया था तो आपको बताया गया था कि अपभ्रंश की सारी विशेषताओं को लिखना है और उसका उद्भव और विकास के बारे में भी चर्चा की गई थी थोड़ी बहुत। लेकिन ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट आया है, इसको इनडायरेक्ट वे में आप मान सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप में ही आया होगा। ये तो क्वेश्चन खैर आया नहीं। ये देखिए पाली साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर मैंने कहा था कि बहुत से लोग हैं जो लिख रहे थे कि पाली व्याकरण जो है, पाली का व्याकरणिक रूप है, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखा गया था। मैंने पाली के साहित्य पर स्पेशली लिखवाया था कह के कि पाली साहित्य की विशेषता क्या है। मैंने अलग अलग जगह से उसको पूरा एक रिकॉर्ड करके और फिर आपको बताया था कि ये चीज़ें हैं, ये विशेषताएँ हैं उसकी। ये देखिए मंथ 1 डे 14 राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा से राजभाषा अलग कैसे है, ये प्रश्न तो डायरेक्ट मैं कहूंगा कि आया है। आगे बढ़ते हैं। ये था मंथ 3 डे 19 हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, इस पर 200 शब्दों में मैंने बोला था लिखने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। डे 14 का प्रश्न है नई कविता की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करी, नई कविता की प्रवृत्तियां टिप्पणी कीजिए, ये भी प्रश्न सीधा सीधा पूछा हुआ है इस बार। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर बता दिया है। बाकी लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं लगभग इसलिए कहता हूं क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि नहीं हो पाता है। तो बाकी लगभग सभी चीज़ें इसमें जो भी आज पेपर में आई हैं वो सब हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कराया गया था। और मैं जो टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां पर मैं आपको ये सारे प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा पिक्चर के फॉर्मेट में कि कौन कौन से प्रश्न हमारे आंसर राइटिंग श्रृंखला में कराए गए थे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां से प्रश्न आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे जुड़ जाइए। एक प्रश्न जो कि नहीं पूछा वो हिंदी में शब्द संपदा के बारे में नहीं पूछा, जो कि UPPCS के सिलेबस में स्पेशली है और UPSC में नहीं है, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है। बाकी लगभग सारे प्रश्न वही पूछे जो पूछने चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं पेपर 2 की एनालिसिस के साथ।